वीरों की धरती और भारत पाक सीमा के सेतु के रूप में पश्चिमांचल में मालाणी के रूप में बसे इस बाड़मेर जिले में बास्केटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में समूचे राजस्थान से आई हुई टीमें भाइयों बहनों प्रतिभागियों के रूप में रूढ़े राजस्थान और रंगीले राजस्थान के हम सबको दर्शन हो रहे हैं और हम सबको हर्षित करने वाले दृश्य निश्चित रूप से सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम उन महापुरुषों का हमें स्मरण कराते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए देश धर्म के लिए अपना समूचा जीवन अर्पित किया। मैं उदयपुर की उस वीर भूमि आन बान शान के लिए मेवाड़ी की उस भूमि पर समूचा जीवन व्यतीत करने वाले महाराणा प्रताप के लिए और वहां से आए हुए उन वीर छात्रों के लिए भी मैं उनका स्वागत करता हूं जिन्होंने महाराणा प्रताप ने कहा था मैं हूं लड़ियो घड़ो हूं सयो घड़ो मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पांच न राखी रण में बेरे और खून बहावण ने उस महाराणा प्रताप की भूमि को मैं वंदन करता हूं। अजमेर से आए हुए उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 17 बार धोखा तो खा लिया लेकिन तो भी यो गिरफ्त में होने के बावजूद 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान तो मस्त चुके चौहान इतने तवे लगे हुए थे उसके बावजूद उन्होंने तीर कमान चलाकर उसको धारा से कर दिया मोहम्मद गौरी को। ऐसी भूमि को भी मैं वंदन करता हूं। नागौर की उस पुण्य भूमि से भी आए हैं प्रतिभागी अमर सिंह राठौड़ सूरमो गाल सलावत काटी ही सिंह भरे दरबार दुड़ुकियो नाल दुष्टि काटी ही ऐसे अमर सिंह राठौड़ की वीर भूमि से वो सब आए हैं आपका भी मैं वंदन करता हूं। जालौर की उस वीर भूमि वीरमदेव सोनगरा मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान जय हूं परणो तुर्कणी तो पश्चिम उगे भाण उस भूमि को मैं वंदन करता हूं। उस भूमि से भी प्रतिभागी आए आपका भी मैं वंदन करता हूं। महाराजा सूरजमल जबरो जाड़ जोरावर सिंह सूरजमल रो जायो हो लाल कलेरा फाटक तोड़िया लोहागढ़ चिनवायो हो उस वीर भूमि से आए हुए उस उत्तर राजस्थान के प्रतिभागियों को भी वंदन करता हूं। सजना राजस्थान की वीर भूमि का बहुत ही गर्वित करने वाला इतिहास रहा है। हिंदव है सोदरा सर्वे न हिंदू पति तो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता सबसे बड़ा सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत करके तत्कालीन जब छुआछूत इस भारत और राजस्थान में चरम सीमा पर था उस समय भी रैदास को गुरु मान करके मीराबाई ने सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। या तो सत्युग में शबरी बाई का झूठे बेर खा करके श्री राम ने उदाहरण प्रस्तुत किया अथवा इस कलयुग में इस प्रकार से मीराबाई ने या फिर जैसलमेर की पुण्य भूमि से आए उन वीरों को मैं वंदन करता हूं। आप सबको पता होगा डाली बाई को बहन माना था बाबा रामदेव ने जिनको हम राजस्थान का सबसे बड़ा लोक देवता मानते हैं लाखों श्रद्धालु देश भर से आते हैं। ऐसी राजस्थान की वीर भूमि के वंदन करता हूं आपका मैं स्वागत करता हूं। बात है शिक्षा और खेल जगत से जुड़ी हुई विद्या ददाती विनयम विनय ददाती पात्रताम विद्या से ही चहुमुखी विकास होता है। अपने बड़े राखे बड़े चार औखे हुए चार आंखें नहीं आंखें तो हमारे दो ही है लेकिन विद्या से हमारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण होता है। ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु विद्या के माध्यम से खुलते हैं। एक सामान्य मनुष्य असाधारण व्यक्तित्व का धनी होता है विद्या के माध्यम से होता है। ये सारे जो गुरुजन खड़े हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः इन गुरुओं को वंदन करके स्वयं का जीवन दिखा रहे शिक्षित दीक्षित और संस्कारित होकर के अद्भुत उदाहरण अमिट छोड़े IAS बने IPS बने अच्छे नागरिक बने पर आने वाले भारत का भविष्य बने आने वाले जो आपके अनुज है उनके लिए प्रेरक बने इसलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। रामधारी सिंह दिनकर ने कलम के लिए बहुत कुछ कहा था अपने देशी भाषा में कहें भाई पेन हाथ में लो कलम लियो कलम और बहुत महत्व है। अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा साखी है जिनकी मई माँ के सूरज चंद्र खगोल भूगोल कलम है उसकी जय बोल जिसके हाथ में कलम है उसी की जय है। इसलिए कलम को कस करके पकड़ के रखिए
IAS IPS बन करके इन गुरुजनों का, माता पिता का, महापुरुषों का और साधु संतों के सानिध्य में उनके जीवन से आलोकित होकर के स्वयं के जीवन को संवारे और देश के भविष्य के आप सहभागी बने। खेल मनुष्य जीवन में बहुत अति आवश्यक होते हैं। कहते हैं स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि ग्रह है और अस्वस्थ रोगों से भरा हुआ शरीर आत्मा का बंदी ग्रह। इसलिए बहुत सारे खेल खेल करके स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक बार गीता को भी छोड़ दीजिए, फुटबॉल खेलिए, कबड्डी खेलिए और मेरे जैसे 100 नौजवान मुझे चाहिए जो देश की दशा और दिशा बदले और भविष्य बदल दे। ऐसे नौजवान अगर चाह ले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया 2047 में भारत विकसित होगा। निश्चित रूप से भारत विकसित होगा, सभी सामूहिक रूप से लगेंगे तो हमारा ये संकल्प सार्थक होगा, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना सार्थक होगा। देश के विकास के लिए सभी को लगना होगा, किसी एक से काम नहीं होता है। संग सद्धम सम्व दद्धम सम्व मनासे जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। सब सामूहिक रूप से जब लगते हैं, एक ही ध्येय एक ही बुद्धि और पूर्ण मनोयोग से लगते हैं तब देश का विकास होता है, धर्म का रक्षण होता है, समाज संगठित होता है।